दोस्तों यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त का ताजा और बड़ा अपडेट आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में यूपी पुलिस एसआई भर्ती की परीक्षा को संपन्न कराया गया है, लेकिन यहां पर धांधली का बड़ा आरोप भर्ती पर लगाया गया है। यहां दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे विस्तार से कि यहां पर यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों लगातार क्या मांग कर रहे हैं। तो गंभीर जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर यहां पर ताजा और बड़ा अपडेट आ चुका है। अगर आपने इसमें एग्जाम दिया है या फिर एग्जाम नहीं देने गए हैं तो यहां पर आपके लिए ताजा और तगड़ा अपडेट है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस एसआई भर्ती का जो एग्जाम है वो कंप्लीट कराया गया है, लेकिन यहां पर इसमें धांधली का विषय बना हुआ है। कई सारे अभ्यर्थियों ने यह मांग की है कि यहां पर इस भर्ती में धांधली हुई है, कई सारे प्रूफ भी प्रोवाइड कराए हैं और इस प्रकार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कैंडिडेट की तरफ से लगातार की जा रही है। चलिए हम अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम 2021 जो कराया गया, यानी कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अब आप इस अपडेट को देख सकते हैं। दरअसल अपडेट हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से दिया जा रहा है और यहां पर आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2021 का ताजा अपडेट है। और आपको यहां पर नीचे चलते हैं, आपको पूरा जानकारी दिखा देते हैं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती के बहुत से अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द कर इसे फिर से कराने की मांग की है। आंसर की को देखने के बाद अभ्यर्थियों ने यह कहा है कि एग्जाम में बड़ी धांधली हुई है। ट्विटर पर हैशटैग भी चलाया है, जो ट्विटर का हैशटैग है उसके बारे में बता देते हैं कि हैशटैग यूपीएसआई 2021 स्कैम और हैशटैग यूपीएसआई 2021 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग करते हुए अभ्यर्थियों ने लिखा है कि बहुत से कैंडिडेट जो है उनका यहां पर क्वेश्चन 152 से लेकर 159 तक सही हो गया है, और जबकि प्रश्न पत्र इतना आसान नहीं था कि कैंडिडेट इतना यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यानी कि इस भर्ती में धांधली के बारे में अभ्यर्थी लगातार बात कर रहे हैं कि इस भर्ती में कोई ना कोई धांधली जरूर हुई है। अब यहां पर अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसके अलावा इन्होंने सोशल मीडिया पर कई सारे अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा के एक प्रश्न की फोटो पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रकार का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक तस्वीर दिखाई जा रही है जहां पर लैपटॉप में ऑनलाइन परीक्षा का एक प्रश्न जो है वह खुला हुआ आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं हम आगे अपडेट की। तो यहां पर कई सारे जो ट्विटर यहां पर कैंडिडेट है वहां पर ट्विटर के जरिए उन्होंने कई सारे पोस्ट किए हैं और यहां पर आपको दिखाई देते हैं कि यहां पर एक कैंडिडेट ने तो यहां पर जो मुख्यमंत्री जी को एक लेटर तक यहां पर लिखा है ट्विटर के माध्यम से, और जहां पर पूरा जानकारी दिया है कि यहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी पुलिस एसआई 2021 भर्ती परीक्षा में हुए स्कैन के संबंध में यहां पर पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है कि यहां पर आंसर की देखने के बाद यह पता चल पाया है कि यहां पर जो कुछ कैंडिडेट हैं उनका यहां पर 150 से लेकर और 159 प्रश्न तक सही हो गया है। तो यहां पर दोस्तों कैंडिडेट लगातार अड़े हुए हैं कि इस परीक्षा को है जल्द से जल्द रद्द कराकर नए सिरे से परीक्षा को कराया जाना चाहिए। यहां पर अब देखिए यहां पर दोस्तों एक जो यूजर है उसने लिखा है कि पेपर ऑनलाइन था, परीक्षा कैमरा में पेन तक नहीं ले जाने दिया गया था। दूसरी बात, पेपर पीसी पर हुए फिर भी लैपटॉप पर पेपर कैसे खुल गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फोटो वायरल हो रहा है जहां पर एक जो प्रश्न है यहां पर आप देखने को मिल रहा है कि एक कंप्यूटर पर भी लैपटॉप पर भी यहां पर यह प्रश्न पत्र ओपन हुआ है। तो आखिरकार यह कैसा हुआ, आप देख सकते हैं कि यहां पर कंपनी का नाम भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार कैंडिडेट ने कई सारे सवाल उठाए हैं भर्ती बोर्ड के सामने कि यहां पर इस परीक्षा में धांधली हुई है बड़ी और इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कैंडिडेट लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी यहां पर लगता है कि क्या वास्तव में इस परीक्षा में कोई धांधली हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी तरफ से आपको आने वाला अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहेगा कि क्या वास्तव में यहां पर परीक्षा जो होगी वह निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी, क्या है भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में हम आपको इसको लेकर कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या यहां पर इसको लेकर प्रतिक्रिया की जाती है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए प्लीज हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।